राधे राधे जी, आज मैं लेके आई हूँ नई रेसिपी, वो भी अरबी की। तो ये अरबी है, हम लोग इसे अरबी ही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आज जो इसकी रेसिपी बनने वाली है बहुत ही टेस्टी और फटाफट बन जाएगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और तो चलिए, पहले तो हम क्या करेंगे ना, अरबी को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम इसे हम बर्तन में रखेंगे। वापस से हम क्या करेंगे, इसमें हम पानी रखेंगे। यहाँ पे एक गिलास के हिसाब से आप पानी रखें। इसमें हम आधी चम्मच क्या करेंगे ना, नमक डालेंगे, और एक चम्मच यहाँ पे सरसों तेल डालेंगे। फिर इसे हम ढक देंगे, चूल्हे पर चढ़ा देंगे इसे धीमी आंच में। और हाँ, यहाँ पे मैं प्याज को काट के रखना भूल गई थी, क्योंकि इसमें मैं प्याज के साथ ही बनाऊंगी। बिना प्याज के भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे प्याज डालना भूल गई थी। तो हम क्या करेंगे ना, एक प्याज को हम दो भाग में काट के इसे हम डाल देंगे इसमें उबलने के लिए। और ये देखते ही देखते ना, आपका 5 मिनट में इसे पूरा कुक नहीं करना है, और इसे हमें 70% तक ही कुक करना है। बाकी हमें बाद में इसका हम कुक करेंगे, मसाले के साथ हम बनाएंगे तब इसे हम कुक करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गए थे अच्छे से, तो इसे हम क्या करेंगे ना कि निकाल लेंगे एक बर्तन में हम। और ये देखिए, ये ज़्यादा गले हुए नहीं हैं। अगर हम कुकर में सीटी लगाते तो ये गल जाते, लेकिन हमने यहाँ इसे थोड़ा सा पानी लेके, आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं, जब ये ठंडा हो जाए तो इसे हम क्या करेंगे ना, आराम से इसे हम छील लेंगे। छिलका इसका आसानी से उतर जाता है, जैसे आलू छीलते हैं हम लोग, वैसे ये भी छिल जाता है। तो हम क्या करेंगे ना, पहले तो सब अरबी को हम यहाँ पे छील लेंगे। इसके बाद हम इसके हम टुकड़े काटेंगे, गोल गोल, पतले पतले, ज़्यादा पतले नहीं, ज़्यादा मोटे नहीं। आपको लंबे लंबे भी काटने हैं तो आप वैसे भी काट सकते हैं। और प्याज जो थे ना, इनके जितने भी जो ये भाग होते प्याज के, उन सबको अलग कर देना है। तो यहाँ पे हमने सबको अलग कर दिया है प्याज को भी। और उसमें डालेंगे हम नमक आधी चम्मच, और आधी चम्मच हम डालेंगे हल्दी, आधी चम्मच हम यहाँ पे मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल के, और यहाँ पे एक चम्मच हम बेसन डालेंगे, और एक चम्मच हम चावल का आटा डालेंगे यहाँ पे, और आधी कटी नींबू जो है इसमें डालेंगे। कभी कभी होता है, कोई कोई अरबी जो होता है ना, वो मुँह में लगते हैं, तो मैं यहाँ पर पहले से ही इसे डाल के बनाऊंगी, तो लगे ना लगे मैं तो नींबू डाल दी हूँ। तो फिर हम क्या करेंगे ना, मसाला मिक्स करके इसे हम अलग रख लेंगे। फिर कढ़ाई गरम करेंगे, तेल डालेंगे उसमें। तेल गरम हो जाए तो आधी चम्मच हम जीरा डालेंगे। जीरा कड़क जाए, फिर हमने जो अरबी मसाले के साथ जो मिक्स करके डाला है वो उसे डाल देंगे। यहाँ पे अरबी जो है अच्छे से पकी हुई है, और बस हमें मसाले के साथ इसे ढक के नहीं, ऐसे ही खुले में इसे पकाना है। और ये फटाफट ना, आपका ना 2 से 3 मिनट में ये अरबी जो है ना फ्राई हो जाता है। यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है गैस का फ्लेम जो है, ना ज़्यादा हाई करना है ना ज़्यादा ही लो करना है। बहुत ही अच्छे से ये भुन रही थी भुजिया जो है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और देखते ही देखते आप 2 से 3 मिनट में ना ये भुजिया बनके आपकी जो है तैयार हो जाएगी। और देखिए इतनी टेस्टी, आप दाल चावल या रोटी पराठे के साथ भी बहुत ही चाव से खा सकते हैं। तो आपको रेसिपी कैसी लगी, ये फटाफट वाली रेसिपी है और एकदम नई रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरा इंतज़ार।